एक सवाल है, यूपी में आवाज उठाना कितना मुश्किल है। मतलब पहले लापरवाही होती है, लोगों को परेशानी होती है, और जब आवाज उठाई जाती है तो लाठी चार्ज हो जाता है। अब ऐसा ही मामला मऊ से भी सामने आया है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। ये तस्वीरें हैं मऊ जिले की गाजीपुर तिराहे की, जहां पुलिस वालों ने लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया, और कारण था जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग करना। पुलिस ने इस दौरान बुजुर्गों से लेकर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। दरअसल अखिल भारतीय गौड़ महासभा के बैनर तले भारी संख्या में लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर गाजीपुर तिराहे से नारेबाजी शुरू की और जुलूस निकाला। जैसे ही प्रदर्शनकारी लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया। लोग सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। एक तरफ पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ लोग अपनी मांगों पर डटे रहे, जिसके बाद में पुलिस से नोकझोंक हुई और फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इससे पहले कई बार अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, और फिर परेशान होकर लोगों ने जुलूस निकाला तो लाठी चार्ज कर दिया गया। इस मामले में अखिल भारतीय गौड़ महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष फौजी कृष्ण लाल गौड़ का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। बच्चे कोई परीक्षा नहीं दे पा रहे और न ही कोई फॉर्म भरा जा रहा है। मेरा एक ही मांग है, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की वजह से हमारे बच्चे न एग्जाम दे पा रहे हैं, न कोई फार्म भर पा रहे हैं। इनकी हालत ये हो गई है, न घर के न घाट के, पढ़ाई करने के बावजूद भी उनका अधिकार कुछ नहीं मिल पा रहा है। एडीएम साहब आए हैं, सांसद जी के आग्रह पे उन्होंने टाइम दिया कि 15 दिन में जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे, लेकिन हमारे जवान बोल रहे हैं कि 15 दिन नहीं, हम यही बैठेंगे रात दिन और वो हम जारी करा के लेके जाएंगे। तो पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज किया तो मामला लगातार बढ़ता गया। लाठी चार्ज के बाद विवाद को बढ़ता देख मऊ में धारा 144 लागू कर दी गई। जो आवश्यक विधिक स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। आज इस चीज को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन देने की बात थी और एक जुलूस निकाले जाने की बात थी, तो उसमें वहां पर जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे, सीओ सिटी और अन्य अधिकारी पहुंचे, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि आप चक्का जाम ना करें या किसी के आने जाने का जो रास्ता है उसको बाधित ना करें। तो कुछ जो 2-3 लोग थे जो सड़क पर खड़े हुए थे उनको हटाया गया था, और उसके अलावा जो उनका ज्ञापन है वो लिया गया है, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी समाज की मदद के लिए वो कराई जाएगी। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का आश्वासन दिया और साथ ही सभी तहसीलदारों को 15 दिन का समय दिया गया, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्य रूप से 2 मांगे हैं कि कुछ नए प्रमाण पत्र आए हैं जो पहली बार आवेदन हुआ है उनको जारी किया जाए, और जो देर हो रही है देर ना हो, समय के अंतर्गत जारी हो। तो इनकी बातें सुनी गई हैं और इनकी ज्ञापन भी इनका लिया गया, इनकी शिकायतों का सभी प्रार्थना पत्र लिए गए, इनको आश्वासन दिया गया है कि एक सभी तहसीलदारों के द्वारा इसको 15 दिन का एक अभियान चला करके इसकी जांच कर ली जाएगी और जो पात्र होगा उसका जरूर बनाया जाएगा। शासनादेश जारी हुए हैं, उन्हीं शासनादेश के आधार के क्रम पे ही हम लोग इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर पाते हैं और उस अनुसार कोई भी प्रमाण पत्र जारी होता है। तो लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई, कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और अब जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया तो फिर से आश्वासन दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आश्वासन तो हर बार मिल रहा है, लेकिन आखिर काम कब होगा? ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कई बार ज्ञापन देने के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, पहले एक्शन लिया जाता तो क्या ऐसी नौबत आती? तीसरा सवाल, लाठी चार्ज के बाद फिर आश्वासन मिला, लेकिन काम कब होगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब, जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो मऊ से हमारे रिपोर्टर दुर्गा किनकर सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।